गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस मेरे पास आज आए हुए हैं माइक्रोमैक्स का फ़ोन लेके आए हैं। गाइस कीपैड फ़ोन है, अगर आप कीपैड फ़ोन लेना चाहते हो और माइक्रोमैक्स का फ़ोन इस समय मेरे पास है। यहाँ पे हमारे पास तीन मॉडल है और तीनों फ़ोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ और आपको दिखाऊँगा कौन सा सबसे बेस्ट फ़ोन है। तो गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते रहते हैं कि जो बढ़िया फ़ोन हो वो दिखाया जाए। तो मेरे पास इस समय बिग डिस्प्ले वाला फ़ोन है जो कि गोल्ड सीरीज में है, माइक्रोमैक्स गोल्ड X741 इसका मॉडल नंबर है और इसको आपको डिटेल से जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इन मोबाइलों में सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा है, अगर आप कीपैड फ़ोन ले रहे हैं जिसमें आपको जियो सिम चलाने के लिए मिले और कौन से मोबाइल में जियो सिम डाल सकते हैं ये भी बताऊँगा और बहुत सारे जो मॉडल है जियो के आते हैं उनको भी मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो चलिए गाइस एक एक करके अनबॉक्स करते हैं विद रिचार्ज के साथ में आपको कौन सी सिम डालनी है, कितने रुपए का आपको रिचार्ज कराना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस मैं आपको एक एक करके अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको देख लीजिए यहाँ पे माइक्रोमैक्स गोल्ड X74 गोल्ड सीरीज का जो मोबाइल होता है माइक्रोमैक्स वो सबसे बेस्ट होता है गाइस, ठीक है। तो इसका मैं दिखाता हूँ आपको, बिग डिस्प्ले और बिग बैटरी के साथ में मोबाइल मिलेगा। और दूसरा फ़ोन अगर मेरे पास और जो दूसरा मोबाइल है गाइस यहाँ पे माइक्रोमैक्स का 2800 mAh की बैटरी है और X2400 इसका मॉडल नंबर है गाइस। ये इसमें आपको 1 month का बैटरी बैकअप मिलने वाला है जो कि बहुत ही गजब का और अच्छा भी है गाइस, ठीक है। तो इन दोनों फ़ोनों को मैं अनबॉक्स करता हूं और आपको दिखाता हूं। तीसरा मॉडल और भी है लेकिन मैं आपको दो मॉडल इसलिए दिखा रहा हूं, ये बहुत ही बढ़िया मॉडल है इस फ़ोन से। ये दोनों बढ़िया मॉडल हैं, अच्छे भी हैं और चलने में भी अच्छा रहेगा। दोनों फ़ोन एक साथ खोलेंगे गाइस जिससे आपको जानकारी सही मिल पाए। तो गाइस कुछ इस तरीके की पैकिंग थी, माइक्रोमैक्स कंपनी का है ये फ़ोन और मैं आपको दिखा दूँ एक बार। जो इसका मोबाइल का साइज़ है कुछ इस तरीके से, इसमें आपको वाइट कलर मिल जाता है। इसकी मोटापे की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मोटा मोबाइल है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें बैटरी भी उतनी ही ज़्यादा है जिससे आपको 1 महीने बैटरी बैकअप चलाने को मिलेगा। तो मोटी बैटरी भी आपको मिलने वाली है। स्लिम वाइज में मोबाइल भी है मेरे पास। हम आपको दोनों फ़ोन एक साथ दिखाएंगे इसलिए कि जिससे आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आए कौन सा मोबाइल सबसे बेस्ट है। तो देख सकते हैं माइक्रोमैक्स गोल्ड X74 इसका मॉडल नंबर है, इसको साइड में रख देते हैं और यहाँ से आपको मोबाइल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला मोबाइल आपको मोटा है पतला दोनों ही दिखा रहे हैं आपको कुछ इस तरीके से। इसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे बैक में आपको कुछ एक कैमरा मिल जाता है और एक यहाँ पे एक जो स्पीकर है साथ में वो मिलता है। स्लिम में काफ़ी मोबाइल है और अच्छा भी लग रहा है गाइस, ठीक है। तो इसमें और इसमें दोनों में आप देख सकते हैं मोटे पतले का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसमें काफ़ी स्लिम आपको मिलता है, इसमें LED टॉर्च है जो कि आपको पावर आपको टॉर्च मिल जाती है यहाँ से, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज़ हमें यहाँ से दिखा देते हैं, एक तो यहाँ पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, LG 3500 का आपको इसमें चार्जर मिलता है और फ़ोन देखने में बहुत ही है, इसलिए जो स्लिम शाइनिंग इसकी है जो बहुत ही गजब की है। यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है और इसकी 2.4 की आपको डिस्प्ले इसमें मिल जाती है और जो दूसरा फ़ोन है इसमें भी आपको 2.4 की डिस्प्ले मिल जाती है। इधर आपको एक कैमरा मिल जाता है, इधर से आपको यहाँ से एक स्पीकर नीचे की साइड में मिलता है, इसमें आपको ऊपर की साइड मिलता है। और गाइस इस वाले में आपको यहाँ से दिखाऊं तो सो नीचे की साइड में आपको इसमें जो चार्जिंग जैक है वो मिलेगा और इसमें 3.5 mm का ऑडियो जैक और यहाँ टॉर्च भी आपको नीचे की साइड ही मिलेगी, तो ऊपर के साइड में इसको नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपने देखा होगा। अब मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूँ, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा ये बताता हूँ। माइक्रोमैक्स X2400 इसका जो मॉडल नंबर है जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, एक चार्जर मिलेगा साथ में, एक अडेप्टर साथ में मिलेगा और ये यहाँ पर 3 LG 3500 की आपको केबल मिलेगी। अडेप्टर के साथ आपको इसमें एक बैटरी मिलेगी जो कि 2800 mAh की है। मैं आपको एक बार यहाँ से खोल के ज़रूर दिखाऊंगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे जो बैटरी है इसका 2800 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, जो ये आपने यहाँ से देखा है यहाँ पे 2800 mAh की बैटरी मिलती है। और इसमें आपको वारंटी कार्ड वगैरह इसमें जो बहुत सारे ये जो पेपर होते हैं वो सारे आपको माइक्रोमैक्स के मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का था। इसके मैं आपको एक बार बैटरी डाल के दिखाता हूँ और आपको सारे अंदर से फीचर्स दिखाता हूँ। तो इसमें भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो इस डब्बे को भी पूरा ओपन करते हैं जैसे कि उसमें किया था गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, इसमें आपको एक चार्जर, हैंड फ्री, बैटरी आपको इसमें कितनी मिलती है ये देख लेते हैं, आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे 1700 mAh की आपको बैटरी मिलती है, हैंड फ्री आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से मिल जाती है जो कि इस पैकिंग में आपको है। इसकी भी बैटरी काफ़ी बड़ी है जो कि कम से कम अगर तीन दिन तो आराम से आप चला ही सकते हो। 1700 mAh की आपको बैटरी मिलती है, इस वाले में आपको 1800 mAh की बैटरी मिलती है। दोनों को सबका सामान मैंने खोल के निकाल दिया है। अब मैं आपको इसके जो अंदर बैटरी डालता हूँ और अंदर के फंक्शन दिखा देता हूँ एक बार जिससे आपको क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी सिम आपको इसके अंदर डालनी है। तो मैंने दोनों फ़ोनों को खोल दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा, माइक्रोमैक्स लिखा, इसमें 2 MI नंबर, तो 2 सिम आपको इसमें चलाने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मेमोरी कार्ड डालने को मिलेगा और 2 सिम आपको डालनी है गाइस, ठीक है। 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड है और यहाँ पर वारंटी कार्ड आपको इसमें 1 साल की आपको वारंटी मिलेगी विद टॉर्च के साथ में। ये मोबाइल आपको दिख रहा होगा, इधर से भी आपको ये भी दिखाऊँगा, इसमें भी आपको X2400 माइक्रोमैक्स 2 सिम आपको चलाने के लिए मिलेगा और 2 सिम आपको डालनी है, एक मेमोरी कार्ड भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और
और अब ये फ़ोन के में आपको एक साल की आपको वारंटी इसमें मिल जाती है। तो इसमें 2.4 की डिस्प्ले है, आपको जो मैंने दिखा दिया है कुछ इस तरीके से था। अब मैं आपको इसके बैटरी डाल के दिखाता हूँ और अंदर के सारे फीचर्स दिखाता हूँ, सिम डाल के बताऊँगा कि अगर आपको माइक्रो जियो सिम आपको डालनी है तो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार इनके फीचर्स बता देता हूँ, फीचर्स में आपको कितने का और कितने रुपये का आपको ये फ़ोन मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, X2400 इसका मॉडल नंबर है जो मैं आपके हाथ में दिखा रहा हूँ। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, 2800mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, दो सिम आपको चलाने के लिए मिलेगा, 2.4 की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी और यहाँ टॉर्च भी साथ में मिल जाएगी। मेमोरी कार्ड अगर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। कैमरा आपको मिल जाएगा और 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा और FM रेडियो मिल जाएगा। मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं और MP3 और वीडियो दोनों आप इसमें चला सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये फ़ोन कुछ इस तरीके का था। और इसकी अगर मैं पैसों की बात करूँ तो यहाँ MRP आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो MRP यहाँ पे लिखा हुआ 2000 कुछ रुपये लिखे हुए हैं। यहाँ से आपको मैं दोबारा से दिखाऊँ, एक बार कट गया था ये, 2049 रुपये गाइस ये देखो लिखा हुआ है, 2049 रुपये इसकी MRP। तो 2049 रुपये इसकी MRP है और ये फ़ोन अगर आप लोगे तो 1200 रुपये का आपको ये फ़ोन मिल जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाले के मैं आपको एक बार फंक्शन बता दूं, अगर आपको गोल्ड सीरीज का लेना है माइक्रोमैक्स का X74 इसका मॉडल नंबर है और यहाँ से अगर मॉडल नंबर इसकी बात करूँ तो यहाँ 1750mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, दो सिम आप चला सकते हो और 6.9 की 2.4 की आपको डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पर पावर टॉर्च मिल जाती है, एंटी फिंगरप्रिंट इसमें जो लिखा हुआ है, कैप्चर भी लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और यहाँ पे कैमरा मिल जाएगा, वीडियो प्लेयर और MP3 प्लेयर दोनों मिल जाएगा, पावर सेविंग मोड मिल जाएगा, FM रेडियो मिल जाएगा, 21 तरीके की आपको इसमें लैंग्वेज मिल जाएंगी। और इसके अगर MRP की बात करूँ तो आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ मैं, MRP इसकी देख लो 2499 रुपये है, लेकिन ये फ़ोन आपको 1200 रुपये का मिल जाएगा, 2499 रुपये इसकी MRP है गाइस, ठीक है। तो 2499 आपको 1200 रुपये का फ़ोन मिल जाएगा ईजिली। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपको जियो सिम चलानी है तो गाइस आपको बताता हूँ, जियो का भारत V2 4G नाम से फ़ोन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोन कंपनी ने गाइस 1000 रुपये का लॉन्च किया है। इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, UPI पेमेंट मोड कर सकते हो, इसमें आपको जियो सिम ही डालनी है गाइस, ठीक है। जियो सिम में आपको रिचार्ज बताऊँ तो आप अपनी पुरानी सिम डाल सकते हैं, रिचार्ज आपको कराना है 123 रुपये का, ठीक है, 123 रुपये का रिचार्ज कराना है और इसमें आपको आधा GB नेट डेली मिलेगा और अनलिमिटेड कॉल मिलेगा। ये फ़ोन आपको जियो भारत V2 4G नाम से आएगा और इसमें आपको जो फ़ोन है गाइस जियो की तरफ से है। इसमें आपको MRP दिखाऊं और इसके जो फीचर्स कुछ दिखा देता हूं आपको, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है और यहाँ पे SD कार्ड भी आप लगा सकते हो 128GB का और जियो सावन पे आप गाने सुन सकते हो, यहाँ पे आपको 8 करोड़ गाने मिलते हैं, UPI पेमेंट मोड कर सकते हो, जियो सिनेमा चला सकते हो और 1000mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, 0.3 MP का कैमरा मिलता है, 1.77 इंच की आपको डिस्प्ले मिलती है इस फ़ोन के अंदर। तो 1000 रुपये का फ़ोन है और गैस इसमें आपको एक सिम डालनी है जो कि आप अपनी डाल सकते हो या नहीं लेने तो 123 रुपये का रिचार्ज करा के आप सिम को चला सकते हैं। ये फ़ोन बहुत ही गजब का है गैस, ठीक है, फुल पूरे महीने का आपको रिचार्ज हो जाएगा गैस, ठीक। तो गैस अगर ऐसी जानकारी अच्छी लगा करें ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और हम जानकारी वाली वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, ठीक है गैस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।